ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है, जिसमें मैं आप लोगों के लेने वाला हूँ वेबजी 2020 के मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, मतलब कि एक से ज्यादा करेक्ट होने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें उसके क्वेश्चन में आप लोग लेने वाला हूँ। बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन में ट्रिक्स लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में भी हम लोग ट्रिक्स बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मैं आप लोग इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने वेबजी 2020 के क्वेश्चंस ले लिए हैं। वेबजी 2020 के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिनको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, पहले वीडियोस बना दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबजी का प्लेलिस्ट का, उसमें आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हो। 2021 के लिए जितने भी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियोस हैं, सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए तीन क्वेश्चन ले लिए, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो टू मार्कर क्वेश्चन है। पिछले एपिसोड में मैंने टू मार्कर क्वेश्चन के तीन क्वेश्चन कराए थे, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं टू मार्क वाले। तो टू मार्क वाले क्वेश्चन चार हो जाएंगे टोटल इसके बाद में, और इसके पीछे आपके मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि यार मल्टी करेक्ट में ट्रिक्स लग सकता है क्या, तो मल्टी करेक्ट में भी ट्रिक्स लग सकता है। मल्टी करेक्ट के दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ले लिए हैं, ये भी दो दो मार्क के हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो इफेक्टिवली आपके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए तीन क्वेश्चन लिया था टू मार्कर का, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए तीन क्वेश्चन ले लिया टू मार्कर का। तो तीन और तीन छह, और छह इंटू दो मतलब 12 मार्क्स है ना, मतलब कि छह क्वेश्चन आप कर रहे हो, तीन इस वीडियो में तीन पिछले वीडियो में, लेकिन आप काम किसा कर रहे हो, 12 क्वेश्चन वाला काम कर रहे हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको डबल मार्क्स मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कंपैरेटिवली टफ भी होते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन में ट्रिक लगा लिए तो एक तरीके से आपने छह के जगह 12 क्वेश्चन जितना मार्क्स उठा लिया है, 12 नॉर्मल क्वेश्चन जितना मार्क्स उठा लिया। वेबजी में कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती है एक एक मार्क के क्वेश्चन के, और ये दूसरी कैटेगरी है दो दो मार्क के क्वेश्चन के। तो दो दो मार्क के क्वेश्चन में मैं आप लोगों के लिए ट्रिक्स लगा रहा हूं, ताकि कम टाइम में आपका जो है स्कोर ज्यादा बूस्टअप हो जाए, राइट। तो एक तरीके से आप इसको छह क्वेश्चन मत समझो, इसको 12 क्वेश्चन ही समझो। अगर हम 1-1 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो और ज्यादा हमारे को क्वेश्चंस करने पड़ेंगे उतने ही मार्क्स लाने के लिए। अच्छा राइट, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं, हमारे पास में एक क्वेश्चन है टेंजेंट से रिलेटेड। यहां पर एक क्वेश्चन हमारे पास में ये बेसिक मैथमेटिक्स, हमारे पास में काइनामेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये मैथमेटिक्स सेक्शन में दिया हुआ था। कई बार आपको बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर में जो है आपको दे देते हैं ये सारे क्वेश्चंस, और ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तीनों में आप लोग देखो किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कंसीडर द कर्व y इक्वल टू b e टू द पावर माइनस x बाई a, वेयर a एंड b आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। देन हमको बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y बाई b इंटरसेप्ट फॉर्म में है, ये चारों ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं। अब आपको पूछ रहा है ये टेंजेंट है कहां पर, 0,0 पे है या फिर वहां पर है जहां पर ये जो कर्व है ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, या फिर 0,0 पे है या फिर 2a,0 पे है। मतलब कि ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट तो है, इतना तो गारंटी हो गया क्योंकि चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। अब ये टेंजेंट है तो ये टेंजेंट कहां है, क्या 0,0 पे है, क्या a,0 पे है, क्या 2a,0 पे है, या फिर कोई ऐसे पॉइंट पे है जहां पर वो एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि यार ये जो पॉइंट्स है ये इस कर्व में लाई करते हैं कि नहीं करते, इसको तो चेक करो। टेंजेंट तो बात की बात है, अगर ये पॉइंट ही लाई नहीं किया तो, राइट। तो अगर हम 0,0 पुट करें, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, तो इफ वी पुट 0, अगर हम 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू बी ई टू द पावर माइनस 0 हो जाएगा। ई टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, राइट। तो ये अल्टीमेटली हमको 0 मिल रहा है, ऊपर में x को 0 रखेंगे तो ये पूरा ई टू द पावर 0 1 हो गया पूरा का पूरा पार्ट। सो इन दैट केस वी आर गेटिंग y इक्वल टू बी, वी आर नॉट गेटिंग y इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको काटो ना। समझ में आ गया आपको बात, ये सेटिस्फाई तभी करेगा जब b की वैल्यू 0 हो जाए, लेकिन b की वैल्यू तो नॉन जीरो दी हुई है ना, आपको दिया हुआ है a एंड b आर नॉन जीरो। समझ में आया आपको बात, राइट। तो हमने a ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, c ऑप्शन को चेक करो, वी आर चेकिंग ऑप्शन c, a,0। हम क्या करेंगे, y इक्वल टू b e टू द पावर माइनस x के जगह लिखेंगे a, दैट मीन्स a अपॉन a, तो ये आ गया ईड दोपहर माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू बी ईड दोपहर माइनस 1, मतलब कि 1 बाई ई है ना, ईड दोपहर माइनस 1 या फिर 1 बाई ई। तो यहां पर आ गया y इक्वल टू बी अपॉन ई, ये आ गया, लेकिन हमको तो यहां पर y की वैल्यू 0 दी हुई है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इस वाले ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देंगे। मजा आ रहा है आप लोगों को, यस और नो, ये तभी 0 आएगा जब बी 0 हो और बी नॉन 0 दिया हुआ है, राइट। ऑप्शन डी देखते हैं, 2a,0 बैठाओ यार, देखो ईड द पार माइनस 2a बाई ए,
तो ये आ जाएगा हमारे पास में y इक्वल टू बी इट द पावर माइनस टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास में y इक्वल टू बी अपॉन ई स्क्वायर, तो ये भी जीरो नहीं हुआ है ना, देख रहे हो आप ध्यान से, है ना, आपका शायद कट हो गया होगा फ्रेम। देखो यहां पे हमने क्या करा, डी ऑप्शन में 2a दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने यहां पर 2a डाल दिया, x के जगह पे 2a डाल दिया, तो ये आ गया इट द पावर माइनस टू, है ना, इट द पावर माइनस टू, तो y इक्वल टू बी इट द पावर माइनस टू, तो y इक्वल टू बी अपॉन ई स्क्वायर, लेकिन यहां पे तो y की वैल्यू जीरो दी हुई है, तो ये वाला ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। अब बस एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन बी आंख बंद करके इसको मार दो, यही सही होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो इक्वेशन में है ही नहीं, कर्व में है ही नहीं, ये तीनों कर्व में तभी हो सकते हैं जब बी की वैल्यू जीरो हो और बी की वैल्यू आपको नॉन जीरो दी हुई है, मतलब ये तीनों तो कर्व में है ही नहीं, तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन बी, मत करो चेक, भाड़ में जाए वही आंसर होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके कर्व में है ही नहीं। इस तरीके से जुगाड़ लगाते हैं, इस तरीके से ट्रिक्स लगाते हैं, राइट। अब देखो आपको बोल रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स इफ इट हैज टू स्टे अबव द ग्राउंड फॉर 12 सेकंड देन, वेलोसिटी और हाइट आपको पूछा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये फीट में दिया हुआ है। अब क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को ये फीट के कैलकुलेशंस नहीं आते, ठीक है, अगर मीटर वगैरह में दिया होता तो आप तो सॉल्व कर लेते चुटकी में, मुझे मालूम है, लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे इस फीट वाले को, और अगर आप क्वेश्चन छोड़ने का सोच रहे हो तो छोड़ना मत, क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समझ में आ रहा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस क्वेश्चन में, राइट। अब देखो दिमाग कैसे लगाना है, आप एक चीज सोचो, किसी आपको आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ध्यान से सुनना यार बहुत मजा आएगा, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 192 और वेलोसिटी आपको दिया 196, दो ऑप्शन में 192 196, हाइट आपको दिया हुआ एक क्या दिया हुआ है 600 फीट और एक आपको दिया हुआ 576 फीट। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर फेंकने की वेलोसिटी कम होगी तो हाइट भी कम होगा, और अगर फेंकने की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो हाइट ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है आपको बात? सोचो सोचो, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर है, तो दो ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस बनते हैं, एक बनेंगे ग्रेटेस्ट हाइट वाला, एक बनेगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वाला। अब हम एक हम क्या कर रहे हैं, पेयर ढूंढ रहे हैं, सोचो तुक्का मारने का पेयर क्या होगा, अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे 196 रखेंगे तो हमारा हाइट भी बढ़ेगा, तो एक पेयर हमारा क्या बन सकता है, वेलोसिटी ज्यादा 196 मतलब ऑप्शन सी, और हाइट भी ज्यादा मतलब कि ऑप्शन बी, एक हमारा पेयर बन सकता है बीसी का, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है, वेलोसिटी को भी कम रख दो, हाइट को भी कम रख दो, मतलब वेलोसिटी कम ऑप्शन ए और हाइट भी कम ऑप्शन डी, तो अब इन दोनों में से कोई पेयर आपको मार्क करना है, समझ में आपको बात, तुक्का लगाना है, गलत भी हो गया तो जीरो मिलेगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पैटर्न में, इसमें 2020 के अंदर में, राइट। लेकिन अगर सही हो गया तो दो मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब बिना सॉल्व किए या तो दो मार्क्स या तो खोने को कुछ भी नहीं, बढ़िया है ना। आप तो वैसे भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो आप क्या करो, या तो एडी मार्क करो या तो बीसी मार्क करो, है ना। अब अपने अपने मन में आप लोग सब सोच लो कि आप एडी के साथ जाओगे या बीसी के साथ में जाओगे, राइट। उसके बाद में अब मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर आप कमेंट्स में बताना कि आपका सही हुआ या गलत हुआ, है ना, उसमें हम लोग फिर देखेंगे कितने बच्चों का सही हुआ कितने बच्चों का गलत हुआ। तो अब आप लोग सोच लो, या तो एडी मारो या तो बीसी मारो, अपने माइंड में सोच लिया, अब मैं करेक्ट आंसर आपको बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर है एडी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ए और डी, मतलब कि कम स्पीड और कम हाइट। अब जितने बच्चों ने एडी सोचा था वो मेरे को कमेंट में बता दो कि सर हमने यही सोचा था और यही हो गया, है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कैसे बढ़ा? कि भाई आपने तो माइंड में बस सोचा कि यार या तो एडी होगा या तो बीसी होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, फिर भी आप करेक्ट कर लिए, राइट। और अगर बीसी भी आपने मार्क करा है तो खोने को क्या, आप तो वैसे भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, जीरो ही तो मिला, कुछ गया नहीं आपके जेब से, राइट। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ना मेरे पसीने चू चू के पेपर ऐसा हो जाता है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हूज सम इज -1, ठीक है। अब सम -1 को तो देख लेंगे, चलो बाद में, पहले देख लेते हैं 4,3 से पास कर रहा है कि नहीं, ठीक है। आपको देखो एक्चुअल तरीके से इसको सॉल्व करोगे ना टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करो, ऑप्शन से सॉल्व करो। कैसे करोगे? 4,3 को पुट करो, ऑप्शन ए में पुट करो, तो 4 डालोगे तो ये आएगा 4/2 -3 डालोगे तो ये आएगा 3/3 =1। 4/2 मतलब 2, है ना, सॉरी 4/2 मतलब 2, हाँ सही है, और 3/3 मतलब 1, 2 -1 मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन बी को चेक कर लो, यहां पर डालो 4 तो ये आएगा 4/-2 प्लस 3 डालोगे तो ये आएगा 3/1 =1 आ रहा है क्या, तो 4/-2 -2 3 -2 = 1, ये भी सेटिस्फाई कर गया, तो बी ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर गया।
सी ऑप्शन को चेक करो, यहां डालो माइनस फोर बाई थ्री आ जाएगा, प्लस आ जाएगा थ्री बाई टू इक्वल टू वन। क्या ये हो रहा है सेटिस्फाई? नहीं हो रहा है यार, क्योंकि ये 3 बाई टू जो है ये 1.5 है और ये माइनस 4 बाई थ्री कुछ भी है, मतलब पॉइंट्स में आएगा, तो ये 1 नहीं बन रहा है, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं किया। ऑप्शन डी को भी चेक कर लो, डालो यहां पर 4 डालो तो ये आएगा 4 बाई वन, माइनस 3 डालो तो ये आएगा 3 बाई टू इक्वल टू 1। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि 4 बाई वन 4 और ये माइनस 3 बाई टू 1.5, तो ये 0.5 के टर्म्स में आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो दो ऑप्शन हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरा चीज देखेंगे कि जो इंटरसेप्ट है उसका सम माइनस वन है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वाई को जीरो पुट करो तो एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी, और अगर एक्स को जीरो पुट करो तो वाई की वैल्यू माइनस थ्री आ जाएगी। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो माइनस वन आ रहा है, यस आ रहा है। बी ऑप्शन भी चेक कर लो, वाई को जीरो पुट करोगे एक्स आ जाएगा माइनस टू, एक्स को जीरो पुट करोगे वाई आ जाएगा वन, तो इन दोनों को ऐड करने पे माइनस वन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गए, ए भी सही हो गया और बी भी सही हो गया, इन दोनों को हम लोग मार्क कर सकते हैं, आपको दो के दो नंबर मिल जाएंगे। आपने सॉल्व तो किया ही नहीं, एक्चुअल तरीके से बच्चे सॉल्व करते रह गए, आपने तो इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही मार्क कर दिया। समझ में आ गया, इंटरसेप्ट समझते हो ना, ये इस तरीके से अगर हमारे पास में है तो ये वाला लेंथ जो है ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। तो एक्स को जीरो करके वाई निकाल लिया, वाई को जीरो करके हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, दोनों को ऐड कर लिया, हमारे पास माइनस वन बन रहा है ए और बी ऑप्शन में। तो बिना सॉल्व किए हमने इसको भी सही कर लिया, 50% बच्चों का तो ये भी सही होगा, ये तो 100% बच्चों का सही होगा और ये भी 100% बच्चों का सही होगा। पिछले एपिसोड में भी मैंने तीन क्वेश्चन आपके लिए लिए दो मार्क करके, तो मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट एपिसोड में चार क्वेश्चन लिए थे, है ना, वन वन मार्कर के। सेकंड एपिसोड में चार क्वेश्चन लिए थे, ये मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, WBJE की, राइट, ये भी 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे 2020 के हैं। तो फर्स्ट एपिसोड जो था WBJE का इस साल का, उसमें चार क्वेश्चन लिए थे मैंने 2020 के, सेकंड में चार क्वेश्चन लिए थे, उसके बाद में मैंने तीन क्वेश्चन लिए टू मार्कर के और तीन क्वेश्चन लिए मैंने टू मार्कर के। तो अब आप एक चीज सोचो, चार और चार आठ मार्क्स, है ना, उसके बाद में थ्री और थ्री सिक्स, सिक्स इंटू टू मार्कर थे ये सारे, ठीक है, तो यहां से आठ मार्क्स है और यहां से 12 मार्क्स आया, तो टोटल मैंने 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, आप सोचो 20 मार्क्स मैंने आप लोगों को ट्रिक्स में ही बढ़वा दिया, ट्रिक्स में ही आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ मैथ सेक्शन में ही आपके 20 मार्क्स मैंने ऐसे ही बढ़वा दिए। क्लियर है, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपने इन ट्रिक्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। ऐसे ट्रिक्स वेबजी के एग्जाम में बहुत इजीली अप्लाई होते हैं और आप लोग अपने वेबजी 2021 के एग्जाम में इस ट्रिक्स को अप्लाई करके, ऐसे ट्रिक्स को अप्लाई करके बहुत ही अच्छे से अपना स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा रैंक जो है ला सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।